नमस्कार, मैं लाइफहोलिक शालिनी उपस्थित हूँ आपके समक्ष ऑस्पिशियस अगस्त में अपनी कहानियों के पिटारे से मेरा भारत आवर इंडिया डेली एपिसोड्स लेकर। आज की कहानी का शीर्षक है पीके की पठानकोट वडोदरा यात्रा। कहानी के मुख्य पात्र हैं पठानकोट की परी यानी कि परमिंदर कौर और वडोदरा के केतन पटेल। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। पूरे घर में सन्नाटा पसरा है। बेबे और दादी शांत हैं। मम्मी जी और पापा जी खामोश हैं। बिल्लू और डिग्गी किताबों के पन्ने में कुछ इस तरह नजरें गाड़े हैं जैसे कि बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। परी ने आज ही ऐलान किया है कि वो केतन पटेल से ही शादी करेगी। मम्मी जी का कहना है कि कोई दिल्ली या चंडीगढ़ वाला होता तो बात बन भी सकती थी, पर केतन तो वडोदरा वाला है। पठानकोट और वडोदरा का भला क्या मेल? मक्के की रोटी शायद सरसों के साग के बजाय मीठी दाल या खमन ढोकला या बासुंदी खांडवी के साथ चल भी जाए। भांगड़ा और गरबा की भी फ्यूजन की जा सकती है, पर वाहे गुरु की फ्रेंडशिप स्वामी नारायण के साथ आखिर कैसे? ये शायद पहला मौका है जब दादी, बेबे, पापा जी, बिल्लू और डिग्गी सभी ने मम्मी जी के पॉइंट ऑफ व्यू का पूरा समर्थन किया है। दूसरी ओर परी हैं जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि पठानकोट के मुक्तेश्वर महादेव टेंपल और वडोदरा के सुरसागर लेक में ज्यादा फर्क तो है नहीं। शिवजी तो दोनों ही जगह विराजमान हैं। फिर केतन पटेल के घर में विराजमान स्वामी नारायण जी को वाहेगुरु से फ्रेंडशिप क्यों नहीं हो सकती? हफ्तों महीनों बीत गए, बीतते ही जा रहे थे। इन बीतते दिनों के साथ साथ पीके अर्थात परी और केतन की परेशानियां भी बढ़ रही थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं माना। अथक प्रयासों के बाद पीके अर्थात परी और केतन ने अपने अपने भारत को पठानकोट और वडोदरा से उठाकर ऐसे आवर इंडिया में स्थापित किया जहां की अब स्वामी नारायण और वाहे गुरु की लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हो गई है। दोनों मिलकर मक्के की रोटी और सरसों का साग, खमन ढोकले और बासुंदी के साथ आनंद लेते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको डेली एपिसोड ऑन मेरा भारत आवर इंडिया की यह पहली एपिसोड
पसंद आई। कुछ ऐसे ही कहानियों को लेकर आती रहूंगी और हम साथ मिलकर भारत का, हमारे भारतीयता का जश्न मनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।